हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे घर में पड़े बेकार बॉटल से सुंदर सा फ्लावर पॉट। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम एक बॉटल लेंगे और उसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कट कर लेंगे। बॉटल कट करने के बाद हम एक डब्बे में थोड़ी सी बॉल पुट्टी लेंगे और उसे पानी की मदद से गूंथ लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको बॉल पुट्टी से डो बनाना नहीं आता है तो मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। बॉल पुट्टी का डो बनाने के बाद हम एक पॉलीशीट पे थोड़ा सा कोई भी पाउडर लेंगे और उससे उस पे फैला देंगे। बॉल पुट्टी का डो लेंगे, इसे हल्के हाथों से प्रेस करके दूसरे पॉलीशीट से ढक के किसी भी पेन या बेलन की सहायता से बेल लेंगे। बेलने के बाद हमने जो बॉटल कट किया था उस पे इसे पानी की सहायता से चिपका देंगे और पानी की ही सहायता से मिला लेंगे और इसे सूखने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम एक छोटा चार्ट पेपर लेंगे और फ्लावर पॉट को रख के छोटा सर्कल कट करेंगे। सर्कल कट करने के बाद इसे हम फेविकॉल की मदद से चिपका लेंगे। बचे हुए बॉल पुट्टी से हम कुछ पत्तियां, फ्लावर और पोटी के छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। मैंने इसे कटर की हेल्प से बनाया है, ये ऐसे भी बहुत आसानी से बन जाती है। इसके बाद इस पे फ्लावर रख के पेंसिल से कुछ डिजाइन बना लेंगे। डिजाइन बनाने के बाद फ्लावर को फेविकॉल की हेल्प से चिपका लेंगे। एक स्टिक की हेल्प से हमने जो डिजाइन बनाया है उस पे फेविकॉल लगाएंगे और बॉल पुट्टी की लड़ियां बना के चिपका लेंगे। हमने जो बॉल पुट्टी से बॉल बनाया था उसे ऊपर और नीचे वाले एरिया पे चिपका लेंगे। आप इसके जगह थर्माकोल की छोटी छोटी बॉल आती है उसे भी आप चिपका सकते हैं। चिपकाने के बाद उसे अच्छी तरह से सूखने दें। ये प्रॉपर सूख गया है, तो अब हम इसमें करेंगे कलर। कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे स्काई ब्लू कलर लिया है। इसे वर्टिकल डिज़ाइन में मैं कलर कर रही हूँ। आप जिगजैग या सिंपल डॉट डॉट करके कलर कर सकते हैं, या अपने अकॉर्डिंग जो आपको डिज़ाइन कलर पसंद है आप वो कर सकते हैं। बीच वाले स्पेस में मैं ऑरेंज कलर से कलर कर रही हूँ। आप इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं, ये ऐसे भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, मैंने जो कलर यूज किया है ये सारे एक्रेलिक कलर हैं। आप बॉल पुट्टी से कोई भी क्राफ्ट बनाते हैं तो कलर करने के लिए एक्रेलिक कलर ही चूज करें। मैं इसके फ्लावर और पत्तियों को भी कलर कर लूंगी। लास्ट में मैं इसे सिल्वर मेटैलिक कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। आप इसे ऐसे भी रहने दे सकते हैं या कोई दूसरा कलर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कलर और कटर अमेजोन से परचेज किया था। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हैं। हमारा फ्लावर पॉट बन के तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आप इसे पेन स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।